हेलो। एक बार कमेंट करके बता दें कि वॉइस क्लियर हो रही है और सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, सारे भाई बहन बता दें एक बार कि वीडियो स्टार्ट हुई कि नहीं है। हाँ जी, आ गई है। चलें। हाँ जी वीके, सॉरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वीके जी। हाँ, चंदू कनारी, जय श्री राम। चंदू जी, मधु, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थोड़ा सा क्या हो गया कि पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम हुई कि इस सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, जल्दी से बता दें, सब कुछ क्लियर है क्या? सब लोग ग्रुप में शेयर कर दो, सब लोग ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, और जरा बता दीजिए कि क्योंकि हो जाती है प्रॉब्लम सब। आप, हम लोग ना इतने टेक्निकल तो है नहीं, इतने हम लोग टेक्निकल तो है नहीं कि हमें कोई चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट, क्या हुआ? ठीक है, तो थोड़ी बहुत इशू हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, हाँ, जरा देख लेते हैं कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ, रानी राजपूत जी बोल रही हैं, सभी लोग बढ़िया हैं। चलें, तो मैं 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, जल्दी से शेयर कर दें आप लोग ग्रुप में, सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, हाँ, ताकि हम कहानी को स्टार्ट करें। जिस बच्चे ने, नंदिनी भट्ट वेलकम, जिस बच्चे ने आज का क्लास नहीं पढ़ा ये मान के चलना कि उसने बहुत बड़ा लॉस किया अपना। चलो, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले, इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ भूमिका जमाना चाहूँगा। वो भूमिका देखेंगे, देखें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज हम बात करेंगे ब्राह्मणों के बारे में, आज हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में या ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। तो ब्राह्मण साम्राज्य को समझने से पहले जरा एक बात समझो, ये जो था ये हमारा उस टाइम पर जो था ये भारत वाली कंडीशन थी। हमारा इंडिया प्राचीन काल में ऐसा लगता था। ठीक है, प्राचीन काल में हमारा जो इंडिया है वो ऐसा लगता था, और इधर जो था ये मगध हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मगध। ठीक है, तो इस मगध के ऊपर हमने बहुत सारे साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया था। तो मगध पर जो पहला साम्राज्य आया था वो था हर्यक वंश। मगध पर जो पहला वंश आया था वो कौन सा वंश है साथियों? वो था हर्यक वंश। ठीक है, जरा आप लोग देखें, बहुत अच्छे से क्लास चलेगी, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दी जाएंगी। तो प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है ना, तो ये था, देखो। तो चलो मैं पूरा का पूरा दोबारा से बनाता हूं, किसी भी बच्चे को कोई, ओह शिट, एक मिनट रुकना यार। देखो, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लें, क्योंकि जो मैंने कुछ टेक्निकल फॉल्ट, पता नहीं आज हो ही रहा है यार, क्या हो रहा है, बट आप लोग बने रहो। ठीक है, बने रहेंगे, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करेंगे आप लोग, कोई भी बच्चा चिंता नहीं करेगा, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि आज की कहानी जिस बच्चे ने नहीं समझी उसे ल्यूसेंट का ये चैप्टर नंबर 16 जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा बस वेट इस बात का कर रहा हूँ, इस बात का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग, सभी लोग जुड़ जाएँ। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर रहते हैं क्लास में वो बच्चे भी आ जाएं, क्योंकि आज क्लास लेट हो गई तो शायद उन लोगों को लग रहा होगा कि आज सर क्लास नहीं लेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्लास आपकी, मैंने बोला था कि क्लास होगी तो मतलब होगी, लेट भले ही हो जाए क्लास तो होगी। अब देखेंगे, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, देखें हम बात करेंगे यहाँ पर प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीनकालीन भारत, चलिए आज बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, चलें तो देखें, हम बात करें तो एक टाइम ऐसा था कि ये हमारा भारत हुआ करता था।
प्राचीन काल में भारत की कंडीशन ये थी, भारत ऐसा दिखता था, ठीक है। तो भारत जब ऐसा दिखता था तो इसके बारे में और सोचो कि ये वाला जो एरिया हुआ करता था ये मगध का एरिया होता था। ये क्या होता था? अपना मगध होता था। ये क्या होता था? अपना मगध, ठीक है, ये अपना मगध होता था। और ये वाला जो एरिया होता था, ये वाला जो एरिया होता था, इन्हें नदियों का क्षेत्र बोलते थे। इन्हें कौन सा क्षेत्र बोलते थे? इनमें इनको बोला जाता था नदियों का क्षेत्र। तो इनमें नदियों का क्रम क्या होता था? तो इनमें सबसे पहले होती थी झेलम नदी, ठीक है, फिर होती थी चिनाब नदी। इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए, झेलम नदी, चिनाब नदी, उसके बाद आएगी रावी नदी, और उसके बाद आएगी ब्यास नदी, और उसके बाद आएगी सतलज नदी। तो यहां पर ये नदियों का क्रम था। तो ये नदियों वाला क्षेत्र था भारत का, ये भारत का नदियों वाला क्षेत्र था, और ये था मगध वाला क्षेत्र। तो साथियों जरा हम बात करें तो मगध की, तो ये जो मगध वाला क्षेत्र था, मगध पर कौन कौन से राजवंश आए थे पहले? तो सबसे पहले मगध में जो राजवंश आया था उसके बारे में देखो पूरी चीजें। अरे यार वो क्या रहा है यार आज? ठीक है, तो सबसे पहले जो मगध वाला क्षेत्र आया था, अच्छा इसका मतलब ये है कि आज मुझे इरेजर का यूज नहीं करना, इरेजर का यूज करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या है कि हो जाती है फॉल्ट। तो देखें, तो ये जो अपना मगध वाला क्षेत्र है, ये जो मगध वाला क्षेत्र है, यहां पर सबसे पहले कौन सा राजवंश आया था? तो इस मगध में सबसे पहले हर्यक वंश आया था। कौन सा वंश आया था साथियों? हर्यक वंश आया था। हर्यक वंश के बाद यहां पर जो वंश आया था वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आया था मगध में। पूरी चीजें समझाऊंगा उसके बाद चीजों को क्लियर करूंगा। शिशुनाग वंश के बाद जो था वो आया था नंद वंश। और जैसा कि हम लोगों को सबको पता है कि नंद वंश का जो अंतिम राजा था, नंद वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था घनानंद, इस घनानंद को हराने के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां पर आया था मौर्य वंश। कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश। अब जरा मौर्य वंश को पढ़ने से पहले, यानी मौर्य वंश का तो हमने सबको डिस्कस कर लिया था, लेकिन यार हमको यहां से ये भी तो पता चलना चाहिए कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से आया, क्योंकि क्योंकि बच्चे लोग पढ़ने लगते हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, मौर्य उत्तर साम्राज्य के बारे में, लेकिन बच्चों को उनके बारे में प्रॉपर चीजें पता नहीं होती हैं। तो देखो मौर्य वंश था ना, मौर्य वंश के जो किंग थे, मौर्य वंश के किंग में सबसे पहला किंग आया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार। कौन आए थे? बिंदुसार आए थे। और बिंदुसार के बाद एक और थे जिनको अपन ने कहा था विशाल महान सम्राट अशोक आए थे। और अशोक के बाद जो अंतिम राजा आए थे वो थे बृहद्रथ। कौन थे वो? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो थे ये अंतिम राजा थे। ये कौन से राजा थे मौर्य वंश के? मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहद्रथ, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। और एक बात बताएं, इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद ये टाइम पीरियड ये बचता है, इसके बाद यहां पर आया था एक गुप्त वंश। कौन सा वंश आया था? गुप्त वंश आया था। ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं, इसके बीच में कौन सा वंश आया था? गुप्त वंश आया था साथियों। तो यहां पर अपन को एक चीज और याद रखना है कि जो गुप्त वंश आया था, जो जो गुप्त वंश आया था वो आया था मौर्य के बाद। तो याद रखना मौर्यों के बाद का पीरियड और गुप्तों के पहले का पीरियड, मौर्यों के बाद का पीरियड और गुप्तों के पहले का जो पीरियड है उसे बोला गया क्या? उसे बोला गया मौर्य उत्तर काल। तो इस टाइम पीरियड, यहां पर जो हिस्ट्री आएगी, यहां पर जो हिस्ट्री कहलाई, ये कहलाई मौर्य उत्तर। मौर्य उत्तर, ठीक है, ये कौन सा समय कहलाया? मौर्य उत्तर काल। और इसी मौर्य उत्तर काल में जिन्होंने भारत पर राज किया वो सारे साम्राज्य कहलाए ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण साम्राज्य, वो कौन सा साम्राज्य कहलाया? ब्राह्मण साम्राज्य कहलाया। इन ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर, इन ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर हमको देखना कौन कौन से वंश है। तो ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में देखेंगे तो हम बात करेंगे शुंग वंश के बारे में,
हम बात करेंगे कण्व वंश के बारे में, हम बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है, कौन से वंश के बारे में, हम बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में, और हम बात करेंगे बाकाटक वंश के बारे में, ठीक है। तो ये रहा बाकाटक वंश, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जरा एक बार कहानी को थोड़ा सा ऊपर समझने की कोशिश करते हैं, मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ छोटा हुआ आपकी स्क्रीन पे, चले देखें। तो यहां पर जो चीजें आपको समझना है वो देखो क्या था कि ये हमारा प्राचीन कालीन भारत था, प्राचीन भारत का ऐसी स्थिति में भारत की भौगोलिक स्थिति ये थी। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा था, ये पूर्व वाला हिस्सा, ये नदियों वाला हिस्सा कहलाता था, जैसे हमारी झेलम हो गई, चिनाब हो गई, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। तो आप सबको पता है कि ये वो टाइम पीरियड है घनानंद वाला, ये वो घनानंद वाला टाइम पीरियड है जब भारत पर अटैक किसने किया, जब भारत पर अटैक किया सिकंदर ने। घनानंद वाले टाइम पीरियड पे भारत पर अटैक किया सिकंदर ने, जब घनानंद राज कर रहा था तो कौन था भारत पर राजा, सिकंदर था, मतलब अटैक करा था सिकंदर ने। फिर सिकंदर के बाद भारत पर कौन, किसने अटैक किया था, तो वो किया था सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर ने अटैक किया था, ठीक है, किसने किया था, सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर के बाद जो था वो कौन आया था, सेल्यूकस निकेटर के बाद और भी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस कौन था, वो था डेमेट्रियस प्रथम। तो आप एक बात समझ चुके हो, आप क्या समझ चुके हो कि मौर्य वंश के खात, अरे घनानंद, हाँ, जब मौर्य, जब नंद वंश चल रहा था, नंद वंश यानी घनानंद के टाइम पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया, तो इसका बात ये पता चलती है कि उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, भरद्रथ, इसके बाद ये ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साम्राज्य ने जो भारत पर राज किया है, उस समय पर भारत पर इनके साथ साथ, इन टाइम पीरियड के साथ साथ भारत पर विदेशियों ने भी आक्रमण किए होंगे। तो याद रखना, जब तो ये, क्योंकि सिकंदर ने विदेशी आक्रमण की शुरुआत तो कर ही दी थी, सिकंदर ने विदेशी आक्रमण की शुरुआत तो कर ही दी थी। जब भारत में या मगध पे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और बाकाटक वंश का साम्राज्य चल रहा था, उसी समय भारत पर जो विदेशी शक्तियों का आक्रमण हो रहा था सिकंदर के बाद का टाइम पीरियड, तो उनमें पहला वंश हम पढ़ेंगे, उनमें पहला आक्रमण किया था हिंद यूनानियों ने, किसने किया था, हिंद यूनानियों ने। तो पहला आक्रमण जिन्होंने किया वो था हिंद यूनानी, ठीक है, पहला विदेशी आक्रमण हिंद यूनानी। दूसरा आक्रमण शकों ने किया, शकों ने किया। तीसरा आक्रमण जो है हमारे पल्लवों ने किया, जिन्हें पार्शियन कहते हैं, पल्लवों का हुआ। और चौथा आक्रमण जो है वो कुषाणों का हुआ। मतलब देखो, जो टाइम पीरियड भारत में ब्राह्मण साम्राज्य का उदय चल रहा था, ब्राह्मण साम्राज्य का टाइम इंडिया में चल रहा था, कहीं की मगध में चल रहा था, उसी टाइम पर, नमस्कार गहना जी, नमस्कार। तो उसी समय पर विदेशी आक्रमण पैरेलल टाइम पे भारत पे हो रहे थे, ठीक है। तो ये कहानी आपने यहां से समझ ली। चलो अब हम बात करते हैं आगे की, और चीजों को बहुत अच्छे से अब लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अपन इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जब इंडिया के मैप की बात करें, तो जब इंडिया का मैप पुराने टाइम पे, इस टाइम का जो ज्यादा बना दिया मैंने, तो ये जो नदियों वाला क्षेत्र था, यहां से तो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, और इंडिया के अंदर यहां पर ब्राह्मण साम्राज्य का राज्य चल रहा था, ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य का राज्य चल रहा था। तो ये हमने इनकी सारी चीजें आपको पढ़ा दी। अब जरा आगे चलते हैं और फिर इन चीजों को बहुत अच्छे से अपन और समझेंगे। अब देखो, तो अध्याय 16 की बात करते हैं ल्यूसेंट से, अध्याय 16 की हम लोग बात कर लेते हैं ल्यूसेंट से। तो देखो, अच्छा, ब्राह्मण साम्राज्य है ना, इसको मौर्य उत्तर काल की श्रेणी में रखा जाएगा। ये ल्यूसेंट में नहीं लिखा है, ये अलग से लिखा गया है, क्योंकि ब्राह्मण जो साम्राज्य है ये मौर्यों के बाद आया था, इसीलिए इसे मौर्य साम्राज्य कहा गया। तो देखो, जब मौर्य उत्तर काल था, मौर्य खत्म हो चुके थे, मौर्यों का साम्राज्य खत्म हो चुका था, उस समय भारत पर दो शक्तियों का आक्रमण हो रहा था। एक थी विदेशी शक्तियां, ठीक है, और एक थी देशी ब्राह्मण राज्य। देशी ब्राह्मण राज्य मुख्यतः पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र वाले एरिया में थे, जो कि कौन कौन थे, जो अभी मैंने ऊपर भी लिख के बताए थे, जैसे शुंग, कर्ण, आंध्र, सातवाहन, बाकाटक, चेदी आदि।
और जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जो भारत का मैप था इस टाइप से, तो इस वाले भारत के मैप में ये इधर से हमला कर रहे थे भारत पे, तो ये वाला हिस्सा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और मध्य भारत का प्रांत कहलाया। और मौर्य उत्तरकाल के बाद, जो मौर्य उत्तरकाल में भारत पर जो विदेशियों ने हमला किया, उसमें सबसे पहले आए थे हिंदू यूनानी, ये कॉमन नहीं है इसके बीच में, ये हिंदू यूनानी है, शक, पल्लव और कुषाण, इनका क्रम रट लेना पेपर में, ऐसा का ऐसा क्रम आ जाता है भाई। आगे चलेंगे दोस्तों, और अब हम बात करते हैं, देखो अब हम परिचय देख लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र ज्यादा विकसित हो गया, जिनमें कौन कौन से वंश चलेंगे, देखो शुंग वंश चलेगा, कण्व वंश चलेगा, सातवाहन वंश चलेगा और बाकाटक वंश चलेगा। तो अब हम इन सब चीजों से पहले देखें, अब हम शुंग वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुंग वंश को डिस्कस करने से पहले मैं जो मेरे मेरे तरीके का समझाने का जो पैटर्न है उसको मैं समझाता हूं, ठीक है? देखें, तो अब हम यहां पर शुंग वंश के बारे में डिस्कस करते हैं कि शुंग वंश की क्या कहानी थी। तो साथियों, जो शुंग वंश था, शुंग वंश एक मिनट, जो शुंग वंश था, शुंग वंश का संस्थापक, देखो मौर्य वंश का लास्ट राजा कौन था, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था बृहद्रथ, कौन था, बृहद्रथ। तो इस बृहद्रथ की हो जाती है हत्या, इस बृहद्रथ की कर दी जाती है हत्या, और बृहद्रथ की जो हत्या होती है वो कौन कर देता है, वो करता है पुष्यमित्र शुंग, कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के राजा, मौर्यों का अंतिम राजा था अंतिम मौर्य, मौर्य अंतिम अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या करके उसका मंत्री या महामात्य पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो शुंग वंश का आप लोगों को याद होना चाहिए कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए पुष्यमित्र शुंग, कौन है, पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। अब जरा पुष्यमित्र शुंग की स्टोरी पढ़ लेते हैं कि पुष्यमित्र शुंग इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, पुष्यमित्र शुंग इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पुष्यमित्र शुंग की कहानी को देखो, जो पुष्यमित्र शुंग हैं, सबसे पहले तो पुष्यमित्र शुंग ने जो अपनी राजधानी थी वो बनाई थी कैपिटल, किसको बनाया था, वो बनाया था मध्य प्रदेश के विदिशा को। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी है वो क्या है, अब विदिशा है, ठीक है। और आगे चलें तो पुष्यमित्र शुंग के एक पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में एक पुरोहित रहते थे, और उन पुरोहित का नाम क्या था, पतंजलि, क्या नाम था उन पुरोहित का, उन पुरोहित का नाम था पतंजलि। अच्छा जरा, और पतंजलि से जुड़ी हुई एक और बात अपन को पता होना चाहिए कि ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, ये योग दर्शन के प्रवर्तक थे, कौन, पतंजलि प्रवर्तक, योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, पतंजलि। पतंजलि ने क्या किया था, पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के दरबार में दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक चीज और याद रखना कि इसने क्या किया था, हिंद यूनानी आक्रमण हुआ था इसके समय पर, हिंद यूनानी आक्रमण हुआ था, तो इसने हिंद यूनानी राजा मिनांडर को हराया था, मिनांडर को क्या किया था इसने, मिनांडर को हराया था, ठीक है। अच्छा अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा है, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, आप अलग से लिख लो, मिनांडर को हराया था इसने, इसने हिंद यूनानी राजा मिनांडर को हराया था। तो मेरे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने मिनांडर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसने मिनांडर को हराया था। एक और बात जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनती है कि जैसा कि आप सबको पता है सांची स्तूप के बारे में, किसके बारे में मालूम है आप लोगों को, आप सबको पता है सांची स्तूप के बारे में, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, सांची स्तूप नष्ट करवाया था, किसने, सांची स्तूप इसने नष्ट करवाया था। ध्यान रखना, जिस सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, उस सांची स्तूप को मिटाया किसने था, उस सांची स्तूप को नष्ट किसने करवाया था, तो उस सांची स्तूप को जो है वो नष्ट कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। बात क्लियर हो गई होगी,
अच्छा, और इसको नष्ट कराने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने एक मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक स्तूप बनवाया था जिसे कहा गया था भरहूत का स्तूप। तो याद रखना, भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था इसने, इसे सांची के स्तूप को नष्ट किया था और भरहूत का स्तूप को निर्माण करवाया था। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि भरहूत का स्तूप जो है एमपी के सतना में पड़ता है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है भरहूत का स्तूप। अब आगे चलें तो पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगला राजा बना, अगला राजा बना शुंग वंश का, उसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था उसका? उसका नाम था साथियों अग्निमित्र, अग्निमित्र। ठीक है, नया राजा जो था वो कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र ने क्या किया? सांची स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया, सांची स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया। तो याद रखना मेरे भाई, पेपर में एग्जामिनर आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। राधे राधे सोमिया जी, राधे राधे टू एवरीवन। ठीक है, तो अग्निमित्र, अग्निमित्र ने क्या किया था? सांची स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। हमको मालूम है कि सांची स्तूप का, तीन क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने, सांची स्तूप को नष्ट पुष्यमित्र शुंग ने, और सांची स्तूप का पुनर्निर्माण अग्निमित्र ने करवाया था। अच्छा, अग्निमित्र और एक जो है, एक पुस्तक है जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, और इस पुस्तक का नाम है मालविकाग्निमित्रम। एक पुस्तक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, विकाग्नि मित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम ये किताब है, इस किताब यानी इस साहित्य का संबंध अग्निमित्र से है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि ये जो पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम ये किसने लिखी है। तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि ये पुस्तक जो है वो कालिदास ने लिखी है, कालिदास है ना ये। केवट जी वेलकम। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, ये कालिदास ने लिखी है। लेकिन इस पुस्तक के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? मालविकाग्नि, सॉरी मालविकाग्निमित्रम जो किताब है उसको भैया, सर आप ये बता दो कि आप अग्निमित्र को जो, अग्निमित्र को जोड़ के क्यों पढ़ा रहे हो इस किताब को? तो दोस्तों याद रखना कि जो मालविकाग्निमित्रम है ना, ये एक लव स्टोरी है, ये एक लव स्टोरी है जिसमें किस किस की प्रेम कथा के बारे में वर्णन मिलता है। तो मालविकाग्निमित्रम में जो ये शुंग वंश का राजा है अग्निमित्र, इसकी अग्निमित्र, और जो जो मालविक की जो रानी है, मालव देश की जो रानी है मालविका, मालविका, इन दोनों के, मालविका, तो इन दोनों के प्रेम कथा का वर्णन इस किताब में मिलता है। इसीलिए ये बुक जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अग्निमित्र के बाद और भी कई सारे राजा हुए हैं इस बीच में, लेकिन आपके लिए उतने वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। लेकिन आप याद रखो कि जो अंतिम राजा है शुंग वंश का, अंतिम राजा है जो शुंग वंश का, वो है देवभूति। कौन? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन है? देवभूति। अब आगे चलेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको है ना इरेज करूंगा। मनी सिंह जय भीम मेरे भाई। अब आते हैं जो देवभूति हैं, देवभूति की हत्या कर दी जाएगी, देवभूति का हत्या हो जाएगी। अब देवभूति की हत्या कौन करेगा? तो देवभूति की हत्या करेगा वासुदेव। देवभूति की हत्या कौन कर देगा? देवभूति की हत्या करेगा वासुदेव। और जब देवभूति की हत्या वासुदेव करेगा तो एक नया राजवंश स्थापित हो जाएगा, और वो राजवंश कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा कण्व वंश। कौन सा वंश कहलाएगा वो? वो कहलाएगा कण्व राजवंश। और इस कण्व राजवंश में हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि हम ल्यूसेंट से यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ल्यूसेंट जीके को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है, ल्यूसेंट जीके को डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ल्यूसेंट से बाहर का फैक्ट में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो बस यहां जाके अपन एक चीज और याद रखेंगे कि जो वासुमित्र है इसने देवभूति की हत्या की, देवभूति की हत्या की यानी शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या की वासुदेव ने, और कण्व वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद कण्व वंश के जो अंतिम राजा हुए, बस उनका नाम याद रखेंगे, तो कण्व वंश के जो अंतिम राजा हैं वो हैं सुशर्मा। कौन है वो? वो हैं सुशर्मा। ठीक है, वो कौन है? सुशर्मा। अच्छा, इन सुशर्मा की भी अब हत्या कर दी जाएगी, इन सुशर्मा की भी हत्या होगी, और इन सुशर्मा की जो हत्या है वो करेगा सिमुक। कौन करेगा? सिमुक।
और ये सिमुक इसकी हत्या करके एक नया राजवंश सातवाहन राजवंश की नींव डालेगा, सातवाहन वंश की नींव डाल देगा। चलो तो मैं इसको छोटा कर दिया हूं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सारे भाई मेरे। चलो ले लिया। चलो अब इसके बाद अपन सिमुक हो गया, अब हम यहां से सातवाहन वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं ल्यूसेंट पढ़ाऊंगा, अभी मैं पूरी ल्यूसेंट क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़े थोड़े सी चीजों को समझ लो, ठीक है। ल्यूसेंट के फैक्ट भी पढ़ेंगे अपन लोग। अब हम यहां पे चलते हैं कि भैया शिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी, शिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाल दी। कौन सा वंश आ गया? सातवाहन वंश। अब इस सातवाहन वंश अभी हाल पूरा समझा दूंगा, स्लाइड से लेकर चिंता मत करो। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है, सातवाहन वंश का जो हमने पढ़ा कि सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, तो वो था सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। कौन था? सिमुक, ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश को कई जगह पर आंध्र सातवाहन वंश भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है। तो याद रखना कि पुराणों में इसे सात आंध्र वंश कहा गया है, पुराणों में इसे आंध्र वंश कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इसे सातवाहन वंश कहा गया है। अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है? सातवाहन वंश कहा गया है। और चलेंगे कि सिमुक ने अपनी पहले राजधानी क्या बनाई, तो कैपिटल दो याद रखेंगे। पहली पूर्व कैपिटल, यानी पहले जो राजधानी थी वो क्या थी, तो पहले की जो राजधानी थी वो थी इनकी, क्या बोलते हैं, अमरावती। क्या नाम था उसका? अमरावती, ठीक है। लेकिन प्रॉपर जो राजधानी बनाई इन्होंने जो राजधानी बनाई वो राजधानी बनी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानियां कई बार पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि प्रतिष्ठान कहां पड़ेगा सर, तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्रतिष्ठान जो है सर वो महाराष्ट्र में पड़ेगा, ओके। फिर हम पूछें कि बताइए कि महाराष्ट्र कौन सी नदी के किनारे पर जाएगा, यानी अमरावती कौन सी नदी के किनारे पर जाएगी, तो सर आपका जवाब होना चाहिए बोले गोदावरी। क्लियर है सर? ओके। और अब देखते हैं सातवाहन वंश से जुड़ी हुई बहुत सारे फैक्ट, सातवाहन वंश से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट। तो पहला फैक्ट, एक मिनट, सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ अब हम फैक्ट की बात करें, तो सबसे पहले भूमिदान देने की प्रथा, भूमिदान प्रथा, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की जो प्रथा है सबसे पहले सातवाहन वंशों ने शुरू करवाई। सातवाहन वंशों ने सोने के सिक्के चलवाए, सातवाहन वंशों ने चांदी के सिक्के चलवाए, सातवाहन वंश ने तांबे के सिक्के चलवाए, सातवाहन वंशों ने प्रोटीन के सिक्के चलवाए, सबसे महत्वपूर्ण सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलवाए, शीशे के सिक्के चलवाए। तो ये यहां से हमें सातवाहन वंश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर कोई आपसे पूछे कि सातवाहन वंश के लोगों की भाषा क्या थी, सातवाहन वंश के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो आपका जवाब होना चाहिए भाषा बोलते थे ये प्राकृत। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। अच्छा लिपि कौन सी चलती थी इनकी, तो आपका जवाब होना चाहिए ब्राह्मी लिपि चलती थी, ब्राह्मी लिपि चलती थी। और अगर कोई पूछे कि आज समाज कैसा था, तो आपका जवाब होगा समाज मात्र सत्तात्मक था, समाज जो है मात्र सत्तात्मक समाज था। तो इतनी चीजें मैंने आपको सातवाहन वंश के बारे में भी पढ़ा दी, और अब जब हम आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। जरा सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया हो तो, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे इनका, फिर हम ल्यूसेंट की स्लाइड्स को रीड करते हैं। चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं साथियों। हाँ, तो ये हमने यहां तक आपको पढ़ा दिया था कि ये उसी समय पर जो मौर्य उत्तर काल था उस समय पर विदेशी शक्ति जिन्होंने भारत पर हमला किया वो थी हिंद, यवन, शक, पल्लव और कुषाण। और उसी समय देशी रियासत जो भारत में, देशी मतलब मौर्य उत्तर काल में भारत में जो साम्राज्य चला उसे ब्राह्मण वंश कहा गया। तो उसमें कौन आएगा? उसमें शुंग आए, उसमें कण्व आए, उसमें आंध्र सातवाहन वंश आए और बाकाटक आए और छेदी आए। तो देखो शुंग के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, कण्व के बारे में मैंने आपको दो ही चीजें बताई, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बता दिया, और बाकाटक को भी अभी देख लेते हैं। देखो तो यहां पर हम लोगों ने बात की थी
मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र विकसित हो गए। उनमें कौन कौन? सबसे पहले आया शुंग वंश, फिर आया कण्व वंश, फिर आया सातवाहन वंश और फिर पढ़ेंगे हम वाकाटक वंश। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है, वाकाटक वंश। आगे चले हम तो और देखेंगे। तो देखो, शुंग वंश की अगर अपन बात करें, शुंग वंश मूलतः उज्जैन की एक ब्राह्मण जाति थी। शुंग वंश जो है उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी, जिसके संस्थापक कौन है? देखो, शुंग वंश के संस्थापक कौन पढ़ लिया हमने? पुष्यमित्र शुंग पढ़ लिए। पुष्यमित्र शुंग के फैक्ट में हमने क्या बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने, पहली बात तो अपन को यह पता होना चाहिए कि इसने राजधानी जो है वो विदिशा को बनाया था। इसके बाद अपन को यह पता चल गया कि इनके दरबार में पतंजलि रहते थे। इसके बारे में हमें पता चल गया सांची स्तूप इन्होंने नष्ट करवाया था। इसके बाद हमें पता चल गया कि इन्होंने भरूत स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके बाद हमें पता, और इसके बाद हमें क्या पता चला था कि इन्होंने मिनांडर को हराया था, हिंद यूनानी राजा मिनांडर को हराया था। तो ये पुष्यमित्र शुंग की इतनी सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, इतनी सारी डिटेल हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब अग्निमित्र के बारे में बात करते हैं। तो अग्निमित्र के बारे में हमने सिर्फ एक ही फैक्ट याद रखा था कि इसने सांची स्तूप का पुनर्निर्माण, सांची स्तूप का इसने क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, और एक और चीज कि मालविका अग्निमित्र से जुड़ी हुई एक किताब है मालविका अग्निमित्रम, जो कि किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। इसके बाद आएंगे वसुमित्र, भागभद्र और देवभूति। तो ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, पुष्यमित्र शुंग की बात करें। चल एक मिनट में पानी पी लूं, है ना, जल्दी से यार। आप लोग डू शेयर यार, बिल्कुल रितेश जी बोल रहे हैं, प्लीज यार शेयर कर दो। अगर आप लोग इतने कम कम लोग रहोगे तो एक बात बताओ, मैं मैथ का बैच फिर किसके लिए आया हूं लाऊंगा? फिर मैं मैथ का बैच किसके लिए लेके आऊंगा जब आप ही लोग इतने कम कम लोग जुड़ोगे यार। ठीक है, अब आ जाओ। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करते हैं। तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, जिसकी हत्या किसने की थी? देखो, बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव डाल दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, अच्छा, जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? विदिशा को। कितनी बार पढ़ा दिया? प्रमुख काम देख लो कौन कौन से प्रमुख काम थे। तो इसने दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, क्योंकि पतंजलि इनके पुरोहित थे। हिंद यूनानी शासक इन्होंने मिनांडर को भी हराया था, देखो मैंने पढ़ा दिया। इसने सतना में भरूत स्तूप का निर्माण कराया था, देखो मैंने पढ़ा दिया। वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान इसने करवाया, बहुत अच्छी बात है। सांची स्तूप की रेलिंग का पुनर्निर्माण भी इसी ने करवाया था, लकड़ी के स्थान पर पत्थर की। जो हम सांची स्तूप के चारों तरफ जो रेलिंग देखते हैं, हाँ, हनुमान जयंती की और हनुमान प्रकट दिवस की, सारे देशवासियों को, सारे भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण सारे मंदिर वगैरह सारे बंद रहे, तो सभी लोग उस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। बड़ी मुसीबत का समय है, प्रभु इस दुनिया को, इस सृष्टि को इस मुसीबत की घड़ी से निकाले। सभी लोग अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, सांची स्तूप की जो रेलिंग है उनका उन्हें पुनर्निर्माण उसका पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, क्योंकि पहले ये लकड़ी की थी और बाद में इन्हें पत्थर का बनवा दिया गया। अब आ जाओ, अन्य शुंग शासकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर आया था अग्निमित्र। अग्निमित्र जो था, कालिदास द्वारा लिखी गया जो नाटक था मालविकाग्निमित्रम का नायक था। ठीक है, भागभद्र अगले राजा थे, फिर भागभद्र। यूनानी राजा एंटियोकस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर इनके दरबार में भेजा, जिसने यहाँ पर भागवत धर्म को स्वीकार किया और विदिशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में, भगवान वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की भागभद्र के दरबार में। याद रखना, विदिशा के राजा भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया था, जिसे एंटियोकस ने भेजा था, ठीक है, हेलियोडोरस आया था भागभद्र के दरबार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, 50वीं बार पूछा गया एमपी के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो भागभद्र के दरबार में यूनान के राजा ने एंटियोकस ने हेलियोडोरस को भेजा था भागभद्र के दरबार में। और भागभद्र कहाँ के राजा थे? विदिशा के राजा थे। तो इन्होंने यहाँ आकर एक गड़ुर ध्वज की स्थापना की थी, गड़ुर स्तंभ की। अब आ जाओ, इसके बाद आए थे देवभूति। ये अंतिम राजा है देवभूति। तो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति। 73 BC में वासुदेव ने, ध्यान रखेंगे, देखो अब देवभूति की हत्या, देखो सारी चीजें मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं,
सारी चीजें, सारे फैक्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए थे, अब केवल स्लाइड्स की रीडिंग है। देवभूति शुंग वंश का अंतिम राजा था। 73 BC में वासुदेव ने इसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना कर दी थी, और फिर कण्व वंश 75 BC में 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक कण्व वंश चला, जिसके संस्थापक वासुदेव हैं और जिसके अंतिम राजा सुशर्मा है। मैंने आपको इतना ही बोला था कि दो ही चीज याद रखेंगे ल्यूसेंट से। अब आ जाओ, अब बात करेंगे हम सातवाहन वंश के बारे में, क्योंकि शुंग वंश के बाद कण्व वंश और कण्व वंश के बाद अब हम देखेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमने बताई थी। तो सातवाहन वंश का पहला राजा शिमुक था, जिसने देवभूति की हत्या की थी, देवभूति की हत्या की थी। कण्व वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या करके शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। उसके बाद शातकर्णी प्रथम हल, फिर गोमती पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठि पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री पुलमावी और पुलमावी चतुर्थ, ये इसके अन्य राजा रहे हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो संस्थापक की बात करते हैं, सातवाहन वंश। तो देखो राजा कौन है, शिमुक, सॉरी संस्थापक कौन है इसका, सातवाहन वंश का राजा संस्थापक कौन है, शिमुक। क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले। अच्छा, जो हम सातवाहन वंश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना साथियों, सातवाहन वंश, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये उत्तर भारत, ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक कड़ी का काम करता था। कौन? सातवाहन वंश। तो ये भी फैक्ट कई बार पेपर में आता है। अनिल जी वेलकम, अनिल जी वेलकम, ठीक है। ये बहुत मतलब इसके बीच में कड़ी का काम करता है, ठीक है। भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला राजवंश लगभग 280 सालों तक ये आया था, सातवाहन वंश। देखो जिसके पास सातवाहन है, जिसके पास सातवाहन है वो तो लंबे चौड़े टाइम तक राज करेगी ना, और जिसके पास सातवाहन है उसकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज्यादा होगी, यानी प्रतिष्ठान राजधानी हो गई। तो दो ट्रिक याद रख लेना, जिसके पास सातवाहन है वो लंबे समय तक राज करेगा, जिसके पास लंबे सातवाहन है वो लंबे समय तक राज करेगा, और जो लंबे समय तक राज करेगा या जिसके पास क्या बोलेंगे, हाँ सातवाहन है, उसकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज्यादा रहेगी, तो राजधानी प्रतिष्ठान रहेगी इसकी, ठीक है। आ जाओ इसके बाद पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया है, सातवाहन वंश को, अभिलेखों में इसे सातवाहन कहा गया है, इससे ही मिलकर इस वाले राज्य का नाम, वंश का नाम पड़ा आंध्र सातवाहन। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, और मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, प्राचीनतम पुराण है, और सातवाहन वंश की वंशावली मिलती है। राजधानी की देखेंगे तो प्रतिष्ठान है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ेगा, और भाषा जो थी सातवाहन वंश के लोगों की वो भाषा थी प्राकृत, और लिपि जो थी वो लिपि थी यहाँ की ब्राह्मी लिपि। क्लियर है ना सारी चीजें दोस्त, बहुत बढ़िया। अच्छा अब इसके बाद आ जाओ शातकर्णी प्रथम, तो ये इतना नहीं है, इसका विवाह जो है नागनिका के साथ हुआ था, नाना घाट अभिलेख महाराष्ट्र में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। शातकर्णी प्रथम के विवाह, शातकर्णी प्रथम का जो विवाह हुआ था नागनिका के साथ हुआ था, और इसका वर्णन नागघाट अभिलेख लिखवा मतलब सॉरी इन्होंने नागघाट अभिलेख महाराष्ट्र में लिखवाया है इन्होंने। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, इससे पहले 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, इससे पहले 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, कमेंट करके बताओ भैया, कमेंट करके बताओ तो जरा, शातकर्णी प्रथम से पहले 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, तो आपका जवाब आना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला कि पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी सबसे पहले किसने शुरू की थी, ब्राह्मणों को, इसने शातकर्णी प्रथम ने, यानी सातवाहन वंश का जो राजा है उसने की थी, तो कहीं ना कहीं सातवाहन वंश ही इसका जवाब होगा। नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर काम किया था, ठीक है। अब आ जाओ हल, हल प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती प्रेम कथा की रचना की है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जो इनके दरबार में, इनके दरबार में जो प्रमुख मतलब इनके दरबार में जो प्रमुख साहित्यकार रहते थे, इनके दरबार में जो प्रमुख साहित्यकार रहते थे उनमें वो है सॉरी हाल जो है वो एक मिनट रुकना यार एक मिनट रुकना हाँ जो हाल है सातवाहन वंश के ही रहे हैं ये राजा, तो इन्होंने एक किताब लिखी है प्राकृतिक भाषा में,
हाल नाम के राजा ने एक किताब लिखी है प्राकृत भाषा में, जिसका नाम है गाता सप्तशती। ये एक प्रेम कथा है, गाता सप्तशती हाल ने लिखी है। सुंग ने, हाँ हाँ पुष्यमित्र सुंग ने, बिल्कुल सही। देख नहीं रहा ठीक से, थोड़ा जूम कर दीजिए। क्यों नहीं दिख रहा यार, काफी तो जूम है। चल अब दिखने का ठीक है, अब देखेंगे और जूम हो सकता है क्या। हाँ मुझे लगता है कि फिर वो, एक मिनट रुकना यार। हाँ अब शायद दिखेगा अच्छे से, देखें तो। अब देखो, देखो यार अपने को टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है नहीं, बस अपना काम चल रहा है, बस आप ये मान के चलिए ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो टीम भी तैयार हो जाएगी। हाँ दिख रहा है ठीक है। सपना यादव जी वेलकम। देखो तो मैं बात करूंगा हाल, हाल जो है सातवाहन वंश के एक राजा रहे हैं जिनका नाम है हाल। तो हाल ने एक किताब लिखी है, भैया रट लेना, पेपर में आता है, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती ये एक प्रेम कथा है जिसे हाल ने लिखा है ठीक है, हाल ने लिखा है। दूसरा रहे हैं गुणाढ्य, गुणाढ्य ने प्राकृत भाषा में भृत कथा कोश नाम की एक राइट वो लिखी है अपनी कृति। और सर्व बर्मन ने संस्कृत भाषा में कात्रंत्र, रानी मल्यावती के अनुरोध पर, रानी मलयवती के अनुरोध पर। ये रानी मलयवती वही हैं, ये रानी मलयवती कौन है, ये रानी मलयवती वही हैं जो मालविकाग्नि मित्रम की नायिका हैं, और मालविकाग्नि मित्रम में जो नायक है वो है अग्निमित्र ठीक है। आ जाओ आगे चलेंगे, अब आ जाओ गोमती पुत्र शातकर्णी। तो गोमती पुत्र शातकर्णी की बात करेंगे, तो सबसे महान सातवाहन शासक जो था वो था गोमती पुत्र शातकर्णी। तो स्टार बना के रटेंगे। नासिक अभिलेख जिसे गोमती वलश्री, एकमात्र ब्राह्मण है, द्वितीय अद्वितीय ब्राह्मण है, इसमें से कहा गया है एकमात्र ब्राह्मण बताया गया, एक अद्वितीय ब्राह्मण बताया गया, वर्ण व्यवस्था का रक्षक बताया गया कि भैया शूद्र ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय नाम की जो प्रथा है उसका संरक्षण करने वाला था गोमती पुत्र शातकर्णी। और इसने वेदों को आश्रय दिया है, वेदों की रक्षा करता था, मतलब वेदों को महत्व देता था। शक शासन नहपान को हराया। देखो इस समय अब वही बात हो रही है ना कि इधर भारत के अंदर जो हमारे देशी राज चल रहे हैं उसी समय भारत पर विदेशी आक्रमण भी हो रहे हैं। कौन से आक्रमण हो रहे हैं साथी, विदेशी आक्रमण भी होते जा रहे हैं ठीक है। तो जब गोमती पुत्र शातकर्णी थे उस समय शक राजा नेपान ने अटैक किया था और इन्होंने नेपान को हरा दिया था ठीक है, नेपान को हरा दिया था। अब आ जाओ वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ये सारे राजा हैं इनके, अगर याद ना हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा नाम देखो, आंध्र सातवाहन सॉरी आंध्र सम्राट कहा गया इसे, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को। वशिष्ठी पुत्र जो पुलवामी है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो है इसे आंध्र सम्राट कहा गया। क्या कहा गया, आंध्र सम्राट कहा गया। और इसे दक्षिणापथेश्वर यानी दक्षिण पथ का स्वामी यानी दक्षिण भारत का स्वामी कहा गया। सिक्के इसने दो पतवार वाले जहाज के चित्र वाले, आपने ऐसा एक तो वो देखे होंगे, पहले आपने कभी देखे होंगे ऐसे जहाज होते थे पहले, ऐसे लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े जहाज होते थे ऐसे ऐसे, और उस पे ऐसे एक कपड़ा बंधा रहता था। तो जब हवा लगती थी इस कपड़े से तो ये क्या होते थे, जब हवा लगती थी इन कपड़ों पे, अरे क्या हो गया भाई, जब हवा लगती थी इस कपड़े पे तो ये आगे चलता था जहाज ठीक है। चल अन्य सातवाहन वंश के राजा देख लेते हैं, और कौन कौन से राजा हैं जो फेमस रहे हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। तो देखो यज्ञ श्री शातकर्णी जो है अंतिम शक्तिशाली राजा रहे, सिक्कों पर इसने जलयान का चित्र बनवाया। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं छोटे छोटे से, जलयान बनवाया ठीक है। पुलवामी चतुर्थ अंतिम शासक और विघटन हो गया, अंतिम शासक था सातवाहन वंश का और यहां से सातवाहन वंश में विघटन हो गया, और एक बना विदर्भ का बाकाटक वंश, एक दक्षिण महाराष्ट्र का आभारी वंश, आंध्र प्रदेश का इक्ष्वाकु वंश और कर्नाटक में कदम वंश। ये अलग अलग वंशों का यहां से उदय होता है। अच्छा अन्य तत्व के बारे में देख लेते हैं सातवाहन वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, एक भी तत्व को छोड़ेंगे नहीं। सातवाहन वंश ने चांदी, तांबा
और सीसा के सर्वाधिक सिक्के चलवाए, पोटीन के सिक्के चलवाए, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन करवाया, यानी सोना, चांदी, पीतल, तांबा, पोटीन और कांसे तक के सिक्के, मतलब इन्होंने सीसे तक के सिक्के चलवा दिए। और याद रखना सीसे के सिक्के इन्होंने सर्वाधिक चलवाए हैं। सातवाहन वंश अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया जाता था, ठीक है, लैड, लैड बोलते हैं ना, मेटल होती है लैड। सातवाहन वंश हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आवास मिलता है। इनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाने की प्रथा थी। तो यहां एक बात पता चलती है कि जो सातवाहन वंश के राजा है ना, सातवाहन वंश के जितने भी राजा रहे हैं उनमें से अधिकतर राजा का नाम महिलाओं के नाम से जुड़ा हुआ, यानी उनके माँ के नाम से जुड़ा हुआ था। इससे ये पता चल जाता है, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सातवाहन वंश है वो मात्र तंत्रात्मक व्यवस्था का महत्व था, यानी मात्र तंत्रात्मक व्यवस्था वहां पे चलती थी। अब देखते हैं जैसे कि गोमती पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी आदि, लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ तंत्रात्मक था क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र होता था। लेकिन देखो प्रतीत ऐसा होता है कि मात्र तंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन मात्र तंत्रात्मक व्यवस्था होने का अंदाजा सिर्फ उन राजाओं के नाम के आधार पर लगाया गया है। लेकिन अगर रियलिटी में अगर ऐसा होता तो जो राजगद्दी पे है ना लड़कियां भी बैठती, पुत्र ना बैठते, पुत्रियां भी राजगद्दी पर बैठती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आ जाओ, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौमिलिक को सौंपा। तो गौमिलिक जो होते थे एक एजेंट होता था गौमिलिक, ठीक है, जो व्यवस्थाओं को देखते थे, न्याय व्यवस्थाओं को देखते थे, गुप्तचर मान लो। अच्छा, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो याद रखना सातकर्णी और सभी सातवाहन जो शासक हुए उनको दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। सातवाहन राज्य ने उत्तर एवं दक्षिण के बीच एक सेतु का काम किया, मैं आपको बता चुका हूं। आगे आएंगे कि सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कार्ले का चैत्य मंदिर, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, ये सातवाहन वंशों की ही देन है। अमरावती का किला का विकास करवाया इन्होंने, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो मुझे लगता है कि वाकाटक वंश अगर हम कल देखें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आज पूरा हो नहीं पाएगा वाकाटक वंश। चलिए, हाँ, आज वाकाटक वंश पूरा हो नहीं पाएगा, तो वाकाटक वंश से हम डिस्कस कल करेंगे। लेकिन जाने से पहले साथियों एक मेरी रिक्वेस्ट है जो मैं डेली आपसे करता हूँ कि यार वीडियो देखते समय अगर चैनल पर कभी आपको कोई ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को देखा करें, 10 सेकंड 15 सेकंड चला दिया करें, और साथ ही साथ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियोज़ को, ठीक है। लाइव आप लोगों के लिए आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कंटेंट अरेंज करते हैं, तब आपको यहाँ पे आके पढ़ाते हैं, तो सिर्फ आपसे हम इतना सा चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और मैं आप लोगों के लिए मैथ एसएससी किरण जो 10,500 का लेटेस्ट एडिशन आ रहा है अभी किरण बुक का, ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन तब कराऊंगा जब आप लोग जुड़ेंगे, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इजाज़त चाहेंगे, नमस्कार, जय।